वेलकम टू टेक्नो विद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। हाय गाइस, टेक्नो विद फ्रेंड्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है उषा। मेरा पहला और दूसरा पॉडकास्ट जिन सब लोगों ने देखा, लाइक और कमेंट किया, उन सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। दूसरे पॉडकास्ट में हमने जाना कि किन किन की को नरेटर की कहा जाता है, नरेटर कीबोर्ड लेआउट्स, नरेटर के साथ किस तरह से कीबोर्ड को एक्सप्लोर किया जाता है, नरेटर की को किस तरह से लॉक और अनलॉक किया जाता है, नरेटर का वॉल्यूम, रेट और पिच किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है और नरेटर का वॉइसेस किस तरह से चेंज किया जाता है। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे नरेटर व्यूज के बारे में, नरेटर सेटिंग्स के कुछ ऑप्शंस और नरेटर के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। दोस्तों, जिस तरह से एंड्रॉयड के डिवाइसेस मोबाइल टैबलेट में टॉकबैक के साथ, आईफोन और आईपैड के डिवाइसेस में वॉइस ओवर के साथ हम किसी भी वेब पेज या एप्लीकेशन को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए नेविगेशन मोड्स दिए गए हैं, जैसे कि वर्ड मोड, कैरेक्टर मोड, हेडिंग मोड, लिंक्स मोड, उसी तरह से नरेटर में भी नरेटर मोड्स अवेलेबल है जिन्हें की नरेटर व्यूज कहा जाता है। नरेटर व्यूज बोथ कीबोर्ड बेस्ड डिवाइसेस और टच बेस्ड डिवाइसेस जैसे कि विंडोज फोन, सरफेस प्रो में काम करता है। विंडोज फोन में और सरफेस प्रो में नरेटर इनबिल्ट स्क्रीन रीडर होता है और सरफेस प्रो को हम बोथ एज अ कीबोर्ड डिवाइस और टच बेस्ड डिवाइस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं नरेटर व्यूज को विंडोज 10 डेल इंस्पिरॉन, जो कि एक कीबोर्ड बेस्ड डिवाइस है, उस पर डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूं। नरेटर व्यूज को चेंज करने के लिए दो शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। पहला है नरेटर की प्लस कंट्रोल प्लस अप एरो या फिर डाउन एरो। दूसरा शॉर्टकट है नरेटर की प्लस पेज अप या फिर पेज डाउन। पेज अप और पेज डाउन के लिए आप नमपैड का 9 एस पेज अप और 3 एस पेज डाउन यूज कर सकते हैं, या फिर आपके कीबोर्ड में पेज अप पेज डाउन बटन अवेलेबल है तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं नरेटर का व्यूज चेंज करने के लिए नरेटर की के साथ। दूसरे पॉडकास्ट में दोस्तों मैंने बताया था कि नरेटर की किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, कैप्स लॉक की या फिर इंसर्ट की। मेरे लैपटॉप में मैं कैप्स लॉक की को एज अ नरेटर की यूज कर रही हूँ। नरेटर व्यूज में टोटल 12 व्यूज अवेलेबल है जिनके नाम है आइटम्स, पैराग्राफ्स, सेंटेंसेस, लाइंस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, टेबल्स, लिंक्स, हेडिंग्स, लैंडमार्क्स, फॉर्म फील्ड्स और सजेशंस। सजेशंस व्यूज आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ वहीं मिलेगा जहां पर की सजेशंस डिस्प्ले होते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टार्ट मेन्यू में किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए उस एप्लीकेशन का फर्स्ट अल्फाबेट लिखे तो उस अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे एप्लीकेशंस वहां पर डिस्प्ले हो जाते हैं एज अ सजेशंस। तो यहीं पर आपको सजेशन व्यू देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको एक बार नरेटर व्यूज चेंज करके बताती हूँ। नरेटर व्यूज को चेंज करने का शॉर्टकट, जैसे कि मैंने बताया, नरेटर की प्लस कंट्रोल प्लस अप एरो या फिर डाउन एरो, या फिर आप नरेटर की प्लस पेज अप या पेज डाउन शॉर्टकट को भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं नरेटर की प्लस कंट्रोल प्लस अप एरो या फिर डाउन एरो से नरेटर व्यूज को चेंज कर रही हूँ। चलिए देखते हैं।
narrator key plus control plus down arrow use कर रही हूँ मैं. Items, paragraphs, sentences, lines, words, characters, tables, links, headings, landmarks, form fields, items. तो यहाँ पर टोटल 11 व्यूज अवेलेबल है. जैसे कि मैंने कहा, सजेशंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा. सजेशन सिर्फ वहां पर अवेलेबल होगा जहां पर कि सजेशंस डिस्प्ले होते हो. फॉर एग्जांपल, चलिए देखते हैं. स्टार्ट मेन्यू खोल रही हूं मैं. स्टार्ट विंडो, कोर्टाना, सर्च बॉक्स. यहाँ पर मैं कुछ सर्च करने की कोशिश करती हूँ. सजेशंस अवेलेबल. यहाँ पर नरेटर ने बोल दिया सजेशंस अवेलेबल. यहाँ पर मैं वापस नरेटर व्यूज को चेंज करने का शॉर्टकट यूज कर रही हूँ. नरेटर की प्लस कंट्रोल प्लस डाउन एरो. सजेशंस, देखिए सजेशंस भी यहाँ पर आ गया. आइटम्स, सजेशंस, पैराग्राफ, सेंटेंसेस, लाइंस, वर्ड्स, कैरेक्टर, टेबल्स, लिंक्स, हेडिंग्स, लैंडमार्क, फॉर्म फील्ड्स, आइटम्स, सजेशंस. नरेटर व्यूज में आइटम्स डिफॉल्ट व्यू होता है और हमेशा हमें नरेटर व्यूज को आइटम्स मोड पर ही सेट रखना चाहिए. नरेटर व्यूज में किसी भी व्यू को सेलेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर व्यू में नेविगेट करने के लिए हमें नरेटर नेविगेशन कीज को यूज करना होगा, जो कि है नरेटर की प्लस राइट एरो फॉरवर्ड जाने के लिए और नरेटर की प्लस लेफ्ट एरो रिवर्स जाने के लिए. किसी भी स्क्रीन रीडर में टैब और एरो कीज प्राइमरी नेविगेशन तो होते ही हैं, नरेटर में भी है. लेकिन नरेटर में नेविगेशन की एक और है, जो कि है नरेटर नेविगेशन की, जिसको यूज करने के लिए नरेटर की प्लस राइट एरो फॉरवर्ड जाने के लिए और नरेटर की प्लस लेफ्ट एरो रिवर्स जाने के लिए होता है. तो दोस्तों, जब भी आप नरेटर स्क्रीन रीडर को यूज करें, तब टैब और एरो कीज के अलावा नरेटर नेविगेशन कीज को यूज करें. चलिए दोस्तों, अब एक बार नरेटर व्यूज के हर एक व्यू पर फोकस करके उस पर्टिकुलर व्यू में नेविगेट करने के लिए नरेटर नेविगेशन की से नेविगेट करके देखते हैं. सबसे पहले हम नरेटर व्यूज में नरेटर का जो डिफॉल्ट व्यू है आइटम्स, उस पर सेट करते हैं और फिर नरेटर नेविगेशन की से नेविगेट करके देखते हैं. दोस्तों, जब आप किसी भी एप्लीकेशन या वेब पेज में नरेटर व्यू को आइटम मोड पर सेट करके नरेटर नेविगेशन की से नेविगेट करते हैं, तो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या वेब पेज में जो भी आइटम्स होता है, टेक्स्ट हो, लिंक हो, बटन हो, हेडिंग हो, टेबल हो, ग्राफिक हो, हर एक आइटम पर हम फोकस कर सकते हैं. इसीलिए हमें नरेटर व्यूज को हमेशा आइटम मोड पर सेट रखकर नरेटर नेविगेशन की से नेविगेट करना चाहिए. चलिए दोस्तों, मैंने अभी एक वेब पेज खोल रखा है. यहाँ पर मैं नरेटर व्यू को आइटम मोड पर सेट करके नरेटर नेविगेशन की से नेविगेट कर रही हूँ. पैराग्राफ्स, आइटम्स, फॉर्म, आइटम्स. ये मैंने आइटम मोड पर सेट किया. अब मैं नरेटर नेविगेशन की नरेटर की प्लस राइट एरो से नेविगेट कर रही हूँ. माइक्रोसॉफ्ट लोगो बटन. Microsoft Edge at level 2. A fast and secure way to get things done on the web at level 2. Browse easily at level 2. Browse efficiently at level 2. Browse safely at level 2. Browse confidently at level 2. ये पूरा टेक्स्ट है. Browse easily. Button. देखो, अब बटन है. बटन पर भी फोकस हो गया. टेक्स्ट पर भी फोकस हुआ और बटन पर भी फोकस हुआ. Browse efficiently. Button. Browse safely. Button. Browse confidently. Button. Group. New get Microsoft Edge for iOS and Android. Button. Link. Import your bookmarks. अब ये लिंक पर भी फोकस हो रहा है. Link. Customize with extent. Link. See what's new. Import your bookmarks. Customize with extensions. See what's new. तो बेसिकली जब आप नरेटर व्यू को आइटम मोड पर सेट रखते हैं, तो हर एक आइटम पर आप फोकस कर सकते हैं नरेटर नेविगेशन की से.
चलिए दोस्तों, अब नरेटर व्यू में किसी और व्यू को सेलेक्ट करते हैं और नरेटर नेविगेशन की से नेविगेट करके देखते हैं। Paragraphs, sentences, lines, words, characters, tables, links, headings, links. चलिए लिंक्स पर मैं सेट कर रही हूँ और नेविगेट कर रही हूँ नरेटर प्लस राइट एरो से, यानी फॉरवर्ड जा रही हूँ। लिंक कस्टमाइज विद एक्सटेंशंस। अब ये खाली लिंक लिंक पर फोकस होगा, इस पेज में जितने भी लिंक्स हैं उस लिंक्स पर ही फोकस होगा। लिंक सी व्हाट्स न्यू फुटर रिसोर्स लिंक्स लिंक सरफेस लैपटॉप 3 लिंक सरफेस प्रो लिंक विंडोज लिंक ऑफिस एप्स लिंक अकाउंट प्रोफाइल। मैं रिवर्स जा रही हूँ नरेटर प्लस लेफ्ट एरो से। लिंक ऑफिस एप्स लिंक विंडोज लिंक सरफेस प्रो लिंक सरफेस लैप लिंक सरफेस प्रो लिंक सी व्हाट्स न्यू लिंक कस्टमाइज विद एक्सटेंट लिंक इंपोर्ट योर बुकमार्क नो प्रीवियस लिंक। तो इस तरह से अगर कोई लिंक अवेलेबल नहीं होगा फॉरवर्ड नेविगेशन में या रिवर्स नेविगेशन में, तो वो बता देगा कि नो नेक्स्ट लिंक या नो प्रीवियस लिंक, इस तरह से। चलिए अब फटाफट किसी और व्यू में चेंज करते हैं और नेविगेट करते हैं। हेडिंग्स। चलिए हेडिंग व्यू को सेलेक्ट किया, अब मैं नेविगेट कर रही हूँ नरेटर प्लस राइट एरो से। अ फास्ट एंड सिक्योर वे टू गेट थिंग्स डन ऑन द वेब माइक्रोसॉफ्ट एज हेडिंग लेवल 1। अब खाली हेडिंग पर नेविगेट होगा ये। अ फास्ट एंड सिक्योर वे टू गेट थिंग्स डन ऑन द वेब हेडिंग लेवल 2 ब्राउज इजीली Heading level 3. Browse efficiently. Heading level 3. मैं रिवर्स जा रही हूँ। Browse easily. Heading level 3. A fast and secure way to get things done on the web. Heading level 2. Microsoft Edge. Heading level 1. No previous heading. चलिए अब एक बार नरेटर व्यू को टेबल पर सेट करते हैं और नेविगेट करते हैं नरेटर नेविगेशन की से। Links. Tables. अब मैं नेविगेट कर रही हूँ नरेटर प्लस राइट एरो। नो नेक्स्ट टेबल। नो नेक्स्ट टेबल। नो प्रीवियस टेबल। इसका मतलब इस पेज पर टेबल है ही नहीं। यही है दोस्तों नरेटर व्यूज को यूज करने का फायदा, कि हमें पूरा पेज स्कैन करके ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस पेज पर टेबल है या नहीं। इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और नेविगेशन भी ईजी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें की 3 टेबल है, उसमें मैं नेविगेट करके दिखाती हूँ। टेबल मोड पे सेट कर रही हूँ मैं टेबल्स और नेविगेट कर रही हूँ नेविगेशन नरेटर नेविगेशन की से। पेज 2 टेबल टेबल कॉलम्स टेबल सेल टेबल सेल टेबल सेल रोज टेबल्स। अब ये टेबल पर जंप होगा ये। पेज 3 टेबल एग्जिट टेबल 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 एग्जिट टेबल टेबल No next table. अब मैं रिवर्स जा रही हूँ। Table exit. Table. Table. Columns. Table. Cell. Table. Cell. Page 2. Table exit. Table. Table. Column. No previous table. चलिए अब मैं फटाफट से दूसरे जो व्यूज है कैरेक्टर वर्ड लाइन सेंटेंस पैराग्राफ उस पर सेट करके एक बार नेविगेट करके बता देती हूँ। Lines. लाइंस पर सेट किया मैंने, अब मैं नेविगेट कर रही हूँ नरेटर नेविगेशन की, यानी नरेटर प्लस राइट एरो से। येलो ब्लू एंड ग्रीन हियर एंड व्हेन द चिल्ड्रन सॉ इट गो अप लिंक दे टगिंग एट हिज जैकेट ही टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ लिटिल बॉय हु आस्क्ड इफ यू रिलीज अ ब्लैक बलून। अब मैं वर्ड्स को सेट कर रही हूँ नेविगेट कर रही हूँ नरेटर प्लस राइट एरो से। वुड दैट आल्सो फ्लाई Moved. अब ये वर्ड बाय वर्ड नेविगेट होगा। कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स पे सेट किया मैंने। कैरेक्टर पर सेट करने के बाद नरेटर प्लस राइट एरो से नेविगेट कर रही हूँ तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नेविगेट होगा ये। स्पेस b y वर्ड लॉट सेंटेंसेस। सेंटेंसेस पे सेट कर रही हूँ। द सेम थिंग अप्लाइज टू आवर लाइव्स इट इज व्हाट इज इनसाइड दैट काउंट्स। अब मैं पैराग्राफ पे सेट कर रही हूँ। पैराग्राफ्स एम्प्टी पैराग्राफ एम्प्टी पैराग्राफ टेबल टेबल हैज एम्प्टी पैर देयर वाज अ मैन हु मेड अ लिविंग सेलिंग बलून्स एम्प्टी पैराग्राफ हेडिंग लेवल 2 बिल्डिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों जब हम पैराग्राफ मोड में नेविगेट करते हैं
तो नरेटर दो पैराग्राफ के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसे भी एक पैराग्राफ कंसीडर करके उसे एम्प्टी पैराग्राफ पढ़ दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम नरेटर व्यूज को फॉर्म फील्ड पर सेट करते हैं और नेविगेट करते हैं नरेटर नेविगेशन की से। दोस्तों, जब भी मैं नरेटर की कहूँ उसका मतलब कैप्स लॉक या इंसर्ट की है, और नरेटर नेविगेशन कीज कहूँ उसका मतलब नरेटर की प्लस राइट एरो या लेफ्ट एरो है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्म फील्ड्स किसे कहा जाता है। फॉर्म फील्ड्स को फॉर्म कंट्रोल्स भी कहा जाता है। किसी भी वेब पेज या एप्लीकेशन में एडिट बॉक्स, बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स, इन सारे एलिमेंट्स को फॉर्म फील्ड या फॉर्म कंट्रोल कहा जाता है, क्योंकि ये यूजर इनपुट को एक्सेप्ट करता है। चलिए दोस्तों, मैं अब नरेटर व्यूज में फॉर्म फील्ड सेट कर रही हूँ और एक पेज खोल रखा है जिसमें कि बहुत सारे फॉर्म कंट्रोल्स या फॉर्म फील्ड्स है, और उसमें मैं नेविगेट कर रही हूँ नरेटर नेविगेशन कीज से। मैं सेट कर रही हूँ सेंटेंसेस, लाइन, वर्ड, कैरेक्टर, टेबल, लिंक्स, हेड, लैंडमार्क्स, फॉर्म फील्ड्स। फॉर्म फील्ड को मैंने सेट किया, अब मैं नेविगेट कर रही हूँ नरेटर नेविगेशन कीज से। बैनर, सर्च, एडिट, ये एक एडिट बॉक्स है। सबमिट सर्च बटन, बटन, नेम, एडिट, एंटर योर एड्रेस, एडिट, हैम चेक बॉक्स अनचेक्ड, चेक बॉक्स, पेपरोनी चेक बॉक्स अनचेक्ड, मशरूम्स चेक बॉक्स, ऑलिव्स चेक बॉक्स अनचेक्ड, ओवरनाइट, रेडियो बटन, नॉन सिलेक्टेड, टुडे, रेडियो बटन, नॉन सिलेक्टेड, रेडियो बटन, ग्राउंड, रेडियो बटन, नॉन, चूज योर फेवरेट सिटी, एम्स्टर्डम, कॉम्बो बॉक्स, कोलैप्स्ड, ऑल्ट प्लस डाउन एरो, combo box, choose your favorite city, Delhi, combo box, submit search, button, reset, button, activate, button, search, button, go to a website, select a website, combo box, collapsed, alt plus down air, submit, button, content information, website at, wave, button, no next form field, no next form field bata diya। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस पेज पर बहुत सारे अदर एलिमेंट्स जैसे कि लिंक्स, हेडिंग्स वगैरह भी अवेलेबल है, जिसे नरेटर ने बाईपास कर दिया, यानी कि स्किप कर दिया, और मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वहीं गया जहां मैं चाहती थी, जो कि है फॉर्म कंट्रोल्स या फॉर्म फील्ड्स। दोस्तों, अब हम नरेटर व्यूज को लैंडमार्क्स पर सेट करते हैं और नेविगेट करते हैं नरेटर नेविगेशन की से। सबसे पहले जानते हैं कि लैंडमार्क क्या होता है। दोस्तों, लैंडमार्क बेसिकली एक इजी नेविगेशन मोड होता है। किसी भी वेब पेज या एप्लीकेशन को जब लैंडमार्क असाइन किया जाता है, इसका मतलब उस वेब पेज या एप्लीकेशन को डिफरेंट सेक्शन या भागों में बांटा जाता है। उस सेक्शन को लैंडमार्क कहा जाता है और हर एक लैंडमार्क का एक नाम होता है। बेसिकली 6 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं, जिनके नाम है बैनर लैंडमार्क, सर्च लैंडमार्क, नेविगेशन लैंडमार्क, मेन लैंडमार्क, कॉम्प्लीमेंट्री लैंडमार्क और कंटेंट इन्फो लैंडमार्क। बैनर लैंडमार्क को हेडर रीजन भी कहा जाता है। इस रीजन पर यूजुअली कंपनी का लोगो या वेब पेज का लोगो या ऐप का लोगो मिल जाता है। सर्च लैंडमार्क पर आपको सर्च एडिट बॉक्स और सर्च बटन मिल जाता है। नेविगेशन लैंडमार्क पर आपको नेविगेशन लिंक्स मिल जाते हैं। मेन लैंडमार्क पर आपको मेन कंटेंट मिल जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री लैंडमार्क में आपको वेबसाइट से रिलेटेड अदर लिंक्स मिल जाते हैं, जो कि यूजुअली वेब पेज के लेफ्ट एंड राइट साइड में डिस्प्लेड रहते हैं। कंटेंट इन्फो लैंडमार्क, जिसे कि फुटर रीजन भी कहा जाता है, यहाँ पर आपको प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन, कॉपीराइट लिंक्स सारे मिल जाते हैं। लैंडमार्क्स में आपको अदर नेविगेशन एलिमेंट्स लाइक लिंक्स, टेक्स्ट, फॉर्म कंट्रोल्स, ये सारी चीजें भी मिल जाते हैं। दोस्तों, किसी भी वेब पेज या एप्लीकेशन में एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लैंडमार्क्स होने जरूरी है, स्पेशली अगर वेबसाइट या एप्लीकेशन काफी बड़ा हो।
जब लैंडमार्क्स असाइन रहते हैं किसी भी वेब पेज या एप्लीकेशन में, तो स्क्रीन रीडर यूजर्स को नेविगेशन काफ़ी ईजी हो जाता है और उन्हें एप्लीकेशन समझने में भी काफ़ी आसानी होती है। दोस्तों, किसी भी बड़े वेब पेज या एप्लीकेशन में जब लैंडमार्क असाइन नहीं होता है, तो स्क्रीन रीडर यूजर्स को पूरे पेज को टैब और एरो की से नेविगेट करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लैंडमार्क्स आपको जनरली कुछ वेबसाइट्स में देखने को मिल जाते हैं। विंडोज 10 की बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एप्लीकेशन और विंडोज का फीचर जो स्टार्ट मेन्यू है, वहाँ पर भी आपको लैंडमार्क देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, मैंने एक पेज खोल रखा है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स दिए गए हैं। तो इस पेज में मैं नरेटर व्यूज में लैंडमार्क्स को सेट करती हूँ और नेविगेट करती हूँ नरेटर नेविगेशन कीज से। Paragraphs, items, form fields, landmarks. अब मैं नेविगेट कर रही हूँ। Header, banner landmark, navigation landmark, main landmark. तो ये खाली landmark को जम कर रहा है। Aside, complementary landmark, footer, content information landmark, no next landmark. अब एक बार मैं reverse में नेविगेट करती हूँ। Aside. Complementary land, main landmark, banner navigation, header, search and csu.edu, search landmark, NC state brand utility bar, navigation landmark, no previous landmark. दोस्तों, जिस तरह से NVDA में elements list को access करने के लिए insert plus F7 shortcut available है, उसी तरह से narrator में landmark list, heading list और link list को एक्सेस करने के लिए सेपरेट शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। लैंडमार्क लिस्ट को एक्सेस करने के लिए शॉर्टकट है नरेटर की प्लस F5। हेडिंग लिस्ट को एक्सेस करने के लिए शॉर्टकट है नरेटर की प्लस F6। लिंक्स लिस्ट को एक्सेस करने के लिए शॉर्टकट है नरेटर की प्लस F7। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। लैंडमार्क लिस्ट के लिए शॉर्टकट है नरेटर की प्लस F5। सर्च लैंडमार्क्स विंडो, सर्च लिस्ट, एरिया। हेडिंग्स लिस्ट के लिए शॉर्टकट है नरेटर की प्लस F6। सर्च हेडिंग्स विंडो, सर्च लिस्ट, एरिया। और लिंक्स लिस्ट के लिए शॉर्टकट है नरेटर की प्लस F7। सर्च हाइपरलिंक्स विंडो, सर्च लिस्ट, स्किप टू कट। नरेटर की यानी कैप्स लॉक की या फिर इंसर्ट की। फाइनली चलिए दोस्तों, सजेशन व्यू को स्विच करते हैं और नेविगेट करते हैं सजेशन लिस्ट में। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि सजेशन व्यू आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, ये सिर्फ वहीं अवेलेबल होगा जहां की सजेशंस डिस्प्ले होते हो, जैसे कि स्टार्ट मेन्यू में जब हम सर्च एडिट बॉक्स में टाइप करते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। मैं स्टार्ट मेन्यू खोल रही हूँ। स्टार्ट विंडो, कोर्टाना, सर्च बॉक्स, एडिट। अभी सर्च एडिट बॉक्स में एक एप्लीकेशन को सर्च कर रही हूँ, उस एप्लीकेशन का पहला कैरेक्टर टाइप करके। A. Suggestions available. A. See web results. Press right to switch preview. 1 of 5. Selected. जैसे ही मैंने लेटर लिखा वहां पर, तो नरेटर ने साउंड अलर्ट भी दिया और वर्बली भी बोलकर बताया कि सजेशंस अवेलेबल। यहां पर दोस्तों हम नरेटर के व्यूज में सजेशन ऑप्शन को देख सकते हैं। चलिए नरेटर व्यूज में सजेशंस को स्विच करते हैं और नेविगेट करते हैं नरेटर नेविगेशन कीज से। पैराग्राफ, सजेशंस, आइटम्स, सजेशंस। तो सजेशंस अवेलेबल है और अब मैं नेविगेट कर रही हूँ नरेटर नेविगेशन कीज, जो कि है नरेटर की प्लस राइट एरो, अलार्म्स एंड क्लॉक, या फिर लेफ्ट एरो। सी मोर इंफॉर्मेशन, अलार्म्स, सी मोर इंफॉर्मेशन, राइट एरो बटन, अलार्म्स, सी मोर, find results in contains 3 items, add or remove programs, system settings,
See more information. दोस्तों, अवेलेबल सजेशन लिस्ट में हम सजेशन मोड में स्विच किए बिना ही अप एंड डाउन एरो से भी नेविगेट कर सकते हैं. Find results in apps 2 of 4, access 2016, alarms and clock, app, press right to switch. और एंटर से सेलेक्ट कर सकते हैं. फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि नरेटर व्यूज का कॉन्सेप्ट और इसे किस तरह से यूज करना है आप सब लोगों को समझ आया होगा. आज की पॉडकास्ट के बिगनिंग में मैंने कहा था कि नरेटर व्यूज के साथ नरेटर सेटिंग्स के कुछ ऑप्शंस और नरेटर के कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स कवर करूंगी, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण नरेटर सेटिंग्स के कुछ ऑप्शंस को मैं किसी और पॉडकास्ट में कवर करूंगी, लेकिन इस पॉडकास्ट में नरेटर के दो इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स बताऊंगी. अगर आपको आज का डेट और टाइम जानना हो तो नरेटर में उसका शॉर्टकट अवेलेबल है, जो कि है नरेटर की प्लस F12. चलिए देखते हैं. 7:50 PM, Saturday, December 28, 2019. अगर आपको नरेटर के पूरे शॉर्टकट्स जानने हो तो उसके लिए आपको नरेटर कमांड लिस्ट खोलना होगा, जिसका शॉर्टकट है नरेटर की प्लस F1. चलिए देखते हैं. Search all commands window, search box, edit. इस ओपन्ड कमांड लिस्ट के विंडो से हम चाहे तो किसी नरेटर शॉर्टकट को सर्च भी कर सकते हैं, या फिर अप एंड डाउन एरो से नेविगेट कर बहुत सारे शॉर्टकट्स यहां से जान सकते हैं. आज के पॉडकास्ट में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. थैंक यू.